गाइस स्वागत है आपका अपना चैनल पैंथा 11। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी सीज़न 9 स्टार्ट हो गया मैच नंबर 13 के बारे में ये बात करेंगे। ये मैच खेला जाएगा पटना पायरेट्स वर्सेस तेलुगु टाइटंस के साथ। ये मैच खेला जाएगा, मैच आपको 11 अक्टूबर को 8:30 PM में ये मैच लाइव होगा। गाइस बात करते हैं सीज़न 9 का जो पॉइंट टेबल है, लीग टेबल, इसकी बात करते हैं। सबसे ऊपर दिल्ली दबंग की टीम, जिन्होंने 2 मैच प्ले किया और 2 मैच में 2 मैच जीत के आ रही है। बेंगलुरु बुल्स की बात करें, 2 मैच प्ले किए हुए, 2 मैच जीती हुई है। और जयपुर पिंक पैंथर्स की बात करें, 2 मैच में 1 मैच जीती हुई है, 1 मैच लॉस है इनका। यूपी योद्धा भी 2 मैच में 1 मैच जीती हुई है, 1 मैच इनका लॉस रहा। और बंगाल वॉरियर्स की बात करें तो इन्होंने 2 मैच में 1 मैच जीता हुआ, 1 मैच इनका लॉस रहा। हरियाणा स्टीलर्स 1 मैच जीत के आ रही है। और गाइस यू मुंबई की बात करें तो यू मुंबई की टीम 2 मैच में 1 मैच जीती हुई, 1 मैच इनका लॉस रहा। और पुनेरी पल्टन की बात करें तो 2 मैच में इनकी 1 मैच लॉस रहा, 1 मैच इनका टाई रहा। और गाइस पटना पायरेट्स की बात करें तो पटना पायरेट्स की तरफ से 2 मैच प्ले किया, 2 मैच में 1 मैच इनका लॉस रहा, 1 मैच इनका टाई रहा। गाइस बात करते हैं तमिल तलाईवास की, तो इन्होंने 1 मैच प्ले किया, 1 मैच इनका लॉस रहा, टाई रहा। और गुजरात गायंट्स की बात करें तो 2 मैच में 1 मैच इनका लॉस रहा, 1 मैच इनका टाई रहा। और तेलुगु टाइटंस दोनों मैच लॉस करके आ रही है। गाइस ये मैच जो खेला जाएगा पटना वर्सेस आपको मैच होगा तेलुगु टाइटंस के साथ, ये मैच होगा जिसमें पटना भी लास्ट मैच पटना का लास्ट मैच लॉस रहा और तेलुगु टाइटंस भी मैच दोनों मैच लॉस करके आ रही है, पटना का 1 मैच टाई रहा। गाइस बात करते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फाइनल टीम जो आने वाली है हमारे ये टेलीग्राम चैनल पे आएगी। एसएल टीम और जीएल टीम मैच से जो भी इन्फो होगा वो सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट होगी, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करना। ज्वाइन कर लेना, सर्च कर लेना @panther11abc और ज्वाइन कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल को, या आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा पिन किया हुआ, आप वहां से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और गाइस अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और गाइस वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना। गाइस बात करते हैं इस वीडियो में आगे कि लास्ट मैच का जो बॉक्स स्कोर रहा था उसके प्रीव्यू की बात करता हूं। तो सबसे पहले पटना पायरेट्स की टीम की बात करता हूं। पटना पायरेट्स की तरफ से जो स्टार्ट करते हुए नज़र आए थे सचिन, जो रेडर थे टीम के, अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म था इनका, अच्छा लीड कर रहे थे अपनी टीम को, अच्छा रेड पॉइंट कलेक्ट कराया। नीरज कुमार की बात करो, टीम की कैप्टन थी, कोई खास परफॉर्म नहीं कर पाए थे, ये डिफेंडर थे, राइट कॉर्नर को कवर कर रहे थे, इनका कोई एक टैकल पॉइंट्स वाली था। और सचिन सी की बात करो तो इन्होंने एक पॉइंट कलेक्ट किया हुआ था। रोहित गुलिया की बात करें, रोहित गुलिया ऑलराउंडर थे, ये टैकल और रेडिंग दोनों से पॉइंट कलेक्ट किया था, अच्छा परफॉर्म किए थे लास्ट मैच, काफ़ी अच्छे रिदम में दिख रहे थे। और विश्वास की बात करो तो विश्वास भी अच्छे रेडर्स हैं, लास्ट मैच में इन्होंने 3 रेड्स किया हुआ था। और सुनील डिफेंडर हैं जो राइट कॉर्नर को कवर कर रहे थे, 2 इन्होंने टैकल पॉइंट किया हुआ था, तो इनका भी परफॉर्म कल के मैच में ठीक ठाक रहा। वहीं युवराज ने 1 टैकल क्या हुआ था, ये भी ठीक ठाक प्लेयर थे, इनको 1 ग्रीन कार्ड भी मिला हुआ था। गाइस बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन से प्ले करने आए थे नवीन शर्मा कोई खास परफॉर्म नहीं किए, इनके जगह पे रिप्लेस हुए थे, दूसरे प्लेयर प्ले किए थे अब्दुल इंसमाम की बात करो तो इन्होंने भी ऑलराउंडर सेक्शन में थे, बट इनका भी परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन से कोई खास नहीं रहा। डेनाइल की बात करूँ तो ये भी कोई खास परफॉर्म नहीं किया, ऑलराउंडर है। और रजित नायक की बात करूँ तो ये रेडर हैं टीम के लिए, ये भी कोई खास परफॉर्म नहीं किए थे लास्ट मैच। और आनंद तोमर की बात करूँ तो आनंद तोमर भी, इनको भी कम टाइम मिला था। और शिवम चौधरी, ये इनको भी कम टाइम मिला था, डिफेंडर थे, राइट कॉर्नर को कवर कर रहे थे। सब इसमें स्टार्टर प्लेयर ज़्यादा टाइम प्ले किए थे, बेंच सब्स्टिट्यूशन वाले को सिर्फ कम टाइम मिला था अपने प्ले करने के लिए। और अक्षय जयवंत की बात करूँ तो इनको भी कम टाइम मिला था कोर्ट पे। गाइस बात करते हैं तेलुगु टाइटंस के स्टार्टिंग प्लेयर्स की, जो कल के मैच में स्टार्ट करते हुए नजर आए थे बॉक्स स्कोर उसकी बात करें, अभिषेक सिंह जो अच्छे रेडर्स हैं बट इनका परफॉर्म बहुत ख़राब रहा कल के मैच में, हो सकता है अभिषेक बहुत अच्छे करते हुए दिखेंगे क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। और गाइस तो अपने टीम में ज़रूर इनको पिक कर लेना। सुरजीत सिंह, इनका भी कोई खास परफॉर्म नहीं रहा, राइट रेडर थे और सॉरी डिफेंडर थे, राइट कॉर्नर को कवर कर रहे थे, इनका भी परफॉर्म नहीं था बढ़िया। और प्रवेश बैंसवाल का बात करें तो इन्होंने डिफेंडर थे, लेफ्ट कॉर्नर को कवर कर रहे थे, इनका भी परफॉर्म कोई खास नहीं था। विनय रेडर थे टीम के और इन्होंने इनका परफॉर्म ठीक ठाक था अपने टीम के लिए, इन्होंने 8 रेड पॉइंट्स कलेक्ट किया हुआ था।
रजनीश की बात करूँ तो लीडर थे टीम के, इन्होंने 4 रेड पॉइंट किया था। और रविंद्र पहल की बात करें तो यह टीम के कैप्टन थे, इनका परफॉर्म ठीक ठाक नहीं रहा गाइस। वहीं विशाल भारद्वाज की बात करूँ तो 3 इनका जो है टैकल पॉइंट था, इनका परफॉर्म ठीक ठाक था। और गाइस सब्स्टिट्यूशन से जो प्ले करने आए थे मोनू गयोट, इनका बहुत अच्छा रेडिंग पॉइंट था, 7 इन्होंने पॉइंट कलेक्ट किया हुआ था। वहीं मोहित डिफेंडर लेफ्ट कॉर्नर को कवर कर रहे थे, इनका परफॉर्मेंस कोई खास नहीं था, कम टाइम इनको मिला था। सिद्धार्थ देसाई की बात करें तो ये रेडर थे, सब्स्टिट्यूशन से प्ले किए थे और इन्होंने 2 रेड पॉइंट कलेक्ट किया हुआ था। फर्स्ट मैच वो स्टार्ट करते हुए नजर आए थे, वही सेकेंड मैच वो सब्स्टिट्यूशन से प्ले किए थे। मोहम्मद श्रीनिवास की बात करूँ तो ये जो है डिफेंडर थे, लेफ्ट कॉर्नर को कवर कर रहे थे, कम टाइम मिला था, ये भी कोई खास परफॉर्म नहीं कर पाए थे। विजय कुमार की बात करूँ तो डिफेंडर थे, राइट कॉर्नर को कवर कर रहे थे, ये भी इनको टाइम नहीं मिला था। इनके जो स्टार्टर थे वो भी ज़्यादा टाइम प्ले किए थे। और नितिन डिफेंडर थे, राइट कॉर्नर को कवर कर रहे थे, ये कोई खास परफॉर्म नहीं कर पाए थे। गाइज बात करते हैं क्रिएट कैसे करेंगे अपने टीम को कल के मैच में GL+SL में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पटना पायरेट्स की तरफ से डिफेंडर किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। तो नितिन कुमार जो बहुत अच्छे, नीरज कुमार जो टीम के कैप्टन है, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, तो आप इनको अपने GL+SL टीम में ट्राई कर लेना। 2 मैच में इनका कोई खास परफॉर्म नहीं रहा, बट अच्छे प्लेयर्स हैं, आप अपने टीम में ज़रूर ट्राई कर लेना। हो सकता है कल के मैच में ये बहुत अच्छे डिफेंड करते हुए नज़र आएंगे। और अपने टीम में चाहो तो GL टीम में कैप्टनसी भी आप इनको ट्राई कर सकते हो, वाइस कैप्टनसी भी ट्राई कर सकते हो। सुनील बहुत अच्छे प्ले किया, 2 मैच में इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, अपने टीम के लिए काफ़ी अच्छा टैकल कर रहे थे और पॉइंट भी ठीक ठाक इन्होंने कलेक्ट किया, तो अपने टीम में सुनील को भी पिक कर लेना गाइस। बात करते हैं सी सज्जन की, तो सी सज्जन का भी कोई खास फर्स्ट मैच इनका काफ़ी अच्छा गया था, सेकेंड मैच इनका ठीक ठाक नहीं गया, इनका कोई खास इनका टैकल पॉइंट नहीं था। तो इनको भी चाहो तो आप किसी GL टीम में ट्राई कर लेना, SL टीम में थोड़ा सा रिस्क रहेगा इनको लेना। टी युवराज की बात करो तो टी युवराज को भी आप चाहो तो GL टीम में ट्राई कर लेना, ये भी 2 मैच में ठीक ठाक टैकल पॉइंट किया हुआ था। एमधुल जो अवेलेबल नहीं थे। और गाइस वहीं बात करें एस चौहान चौधरी जो लास्ट मैच अवेलेबल नहीं थे। गाइस बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, आपको एम मोहम्मद रजा सिन्हा जो लास्ट 2 मैच से अवेलेबल नहीं है, बट अगर ये प्ले करते हैं, अगर ये ज्वाइन करते हैं तो आप इनको अपने टीम में ज़रूर पिक कर लेना। और गुड़िया की बात करूँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सभी दोनों मैचों में इनका परफॉर्म काफ़ी अच्छा रहा अपने टीम के लिए, और रेड और टैकल दोनों से पॉइंट कलेक्ट किए हुए हैं, तो इनको अपने टीम में ज़रूर पिक कर लेना। गाइस बात करते हैं डी और डी मायो की, तो ये भी लास्ट मैच अवेलेबल नहीं थे, अच्छे प्लेयर्स हैं। गाइस एस कुमार की बात करो ये भी अवेलेबल नहीं थे। और एस इन समाम की बात करो, ये सब्स्टिट्यूशन से प्ले करने आए थे बट इनको कम चांस मिला था, कोई खास परफॉर्म नहीं किए थे। तो गाइस बात करते हैं आपको रेडर सेक्शंस में, तो रेडर्स एक्स तैमूर एस तनवर बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लास्ट मैच बहुत अच्छा इनका रहा। और पटना की तरफ से अच्छे प्लेयर्स हैं, ये कल के मैच में भी हो सकता है लीड रेडर्स का काम करें और लीड करते हुए नजर आए। गाइस मोनू की बात करें तो ये लास्ट मैच नहीं प्ले किए थे। और एस हेंगे हेगड़े की बात करें तो ये भी लास्ट मैच प्ले नहीं किए थे, अवेलेबल नहीं थे। और विश्वास एस की बात करें तो ये स्टार्ट करते हुए नजर आए थे और 2 मैच में कोई खास इनका परफॉर्म नहीं रहा रेडिंग से, तो इनको चाहो तो आप GL में ट्राई कर लेना, बाकी आप चाहो तो SL में इनको विश्वास को ड्रॉप कर सकते हो। रोहित की बात करें तो इनको ये अवेलेबल नहीं थे और ए कुमार भी लास्ट मैच अवेलेबल नहीं थे। गाइस बात करते हैं आपको तेलुगु टाइटंस से जो डिफेंडर सेक्शन में रहेंगे वो पी बंसवाल, जो अच्छे प्लेयर्स हैं, लास्ट मैच इनका खास नहीं गया था बट थोड़ा सा क्रेडिट मैनेज अगर आप कर लेते हैं तो पी बंसीवाल को जरूर अपने टीम में पिक कर लेना, अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छे डिफेंड करते हुए कल के मैच में नजर आएंगे, अच्छे डिफेंडर हैं। और एस सिंह भी अच्छे प्लेयर्स हैं बट इनका 2 मैच में इनका कोई खास परफॉर्म नहीं रहा, आर पहल का भी परफॉर्म कोई खास नहीं रहा। और गाइज भी भारद्वाज की बात करूँ बहुत अटैकिंग खेल रहे थे, इन्होंने 2 मैचों में अच्छा टैकल पॉइंट किया। और एम श्रीवास की बात करूँ ये लास्ट मैच अवेलेबल नहीं थे, प्रिंस भी अवेलेबल नहीं थे। गाइस बात करते हो ऑलराउंडर सेक्शन में, तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको ए बेनीवाल ये भी टीम में अवेलेबल अभी नहीं थे, हो सकते हैं कल के मैच में अवेलेबल नजर आए, तो आप चाहो तो इनको अपने टीम में पिक कर सकते हो अगर ये प्ले करते हैं तो। एम गोयट का भी कोई खास परफॉर्म नहीं था, सब्स्टिट्यूशन से प्ले किए थे। और टी आदर्श की बात करूँ तो टी आदर्श नहीं अवेलेबल थे और मधुसूदन भी अवेलेबल नहीं थे। वी वीरेंद्र का परफॉर्म ठीक ठाक था, ये भी स्टार्ट करते हुए नजर आए थे। और अगर ये बेनीवाल अगर प्ले करेंगे तो आप वीरेंद्र को ड्रॉप कर सकते हो, और नहीं तो फिर आप वीरेंद्र के साथ इसमें जा सकते हो। गाइस बात करते हैं रेडर सेक्शन में,
तो रेडर सेक्शन में आपको ए सिंह जो लास्ट मैच अच्छे परफॉर्म नहीं किए थे, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। कल के टीम में आप चाहो तो इनके साथ वीसी जा सकते हो या कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी जा सकते हो अपने जीएल टीम में, अच्छे प्लेयर्स हैं। इस सिद्धार्थ देसाई भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, दो मैच में इनका परफॉर्म नहीं था कोई खास, लास्ट मैच में ये बेंच से स्टार्ट किए थे बट ये फर्स्ट मैच में लाइनअप से प्ले किए थे। आप इनको ड्रॉप मत करना, अगर क्रेडिट मैनेज होती है तो ज़रूर एसएल टीम में भी ट्राई कर लेना, और जीएल टीम में तो बिल्कुल आप इनको ट्राई कर लेना, भूलना मत, क्योंकि अच्छे प्लेयर्स हैं सिद्धार्थ, अच्छे रेडिंग करते हैं और अपने टीम में ज़रूर पिक करना है। वहीं रजनीश की बात करो तो रजनीश लास्ट मैच स्टार्ट करते हुए नजर आए थे, इनका भी ठीक ठाक परफॉर्म रहा, अच्छे रेड पॉइंट कलेक्ट किया और अपने टीम को अच्छे रेडिंग से सपोर्ट भी किया, अच्छे परफॉर्म किया। और गाइस बात करते हैं स्टार्टिंग प्लेयर की, जो आज के मैच में दोनों टीम के तरफ से स्टार्टिंग प्लेयर्स रहने वाले हैं उसकी बात करें तो पटना के तरफ से जो स्टार्ट करने वाले हैं वो नीरज कुमार, टीम के कैप्टन है सचिन तनवर और रोहित गुलिया और सचिन चंद्रशेखर, सुनील नरवाल विश्वास और आपको थ्री राजन दिखनेंगे, ये स्टार्टिंग प्लेयर्स हैं गाइज। वहीं सब्स्टिट्यूशन से प्ले करेंगे नवीन अब्दुल और शिवम, अक्षय रहेंगे, आनंद रहेंगे, रंजीत और डेनाइल, ये आपको सब्स्टिट्यूशन से प्ले करते हुए नजर आएंगे गाइस। हो सकता है इसमें ये एक्सपेक्टेड है, हो सकता है कल के मैच में कुछ चेंज नज़र आए गाइस। बात करते हैं तेलुगु टाइटंस के तरफ से, तो तेलुगु टाइटंस के तरफ से जो प्रोबेबल प्लेइंग सेवन जो कल के मैच में रहने वाले हैं वो रविंदर पहल, विनय रेडू और सुरजीत सिंह, अभिषेक सिंह, रंजीश पहल और परवेश बंसीवाल रहने वाले, विशाल भारद्वाज रहने वाले। सब्स्टिट्यूशन से जो प्ले करेंगे वो रहेंगे सिद्धार्थ देसाई, हो सकता है कल के मैच में स्टार्ट करते नजर आए, मोनू गोयट और मोहित नरवाल, उसके बाद आपको दिखेंगे मोहम्मद शिवाश, नितिन दिखेंगे, नितिन देसवाल, विनय और विनय कुमार दिखेंगे, ये आपको हो सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से प्ले करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है इसमें स्टार्टिंग प्लेइंग सेवन में कुछ चेंज एक दो प्लेयर्स नज़र आएंगे, एक्सपेक्टेड है गाइस। बात करते हैं सेट टीम प्रीव्यू की, तो जो हमारी सेट टीम रहने वाली कल के मैच में उस सेट टीम की बात करता हूँ, तो मैंने अपने सेट टीम में दो डिफेंडर को पिक किया हुआ है, सुनील को पिक किया हुआ है और एन कुमार को पिक किया हुआ है। तो एन कुमार टीम के कैप्टन है और सुनील बहुत अच्छे टैकल कर रहे हैं अभी, और एन कुमार भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, हो सकता है कल के मैच में एन कुमार भी अच्छे टैकल करते हुए नज़र आए और गाइस सुनील भी नज़र आए, तो अपने टीम में दोनों को जरूर पिक कर लेना गाइस। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो आर गुलिया को अपने टीम में जरूर पिक करना, अच्छे प्लेयर्स हैं, और गाइस वी वीरेंद्र को अपने टीम में पिक कर लेना क्रेडिट मैनेज को लेते हुए। अगर आप विजन पे प्ले करते हो वहाँ पे क्रेडिट मैनेज कम है तो आप चाहो तो वहाँ पे प्ले कर सकते हो, और वीरेंद्र की जगह पे आप कोई दूसरा एक प्लेयर्स को पिक कर लेना, जो मैं अपडेट करूँगा टेलीग्राम पे वहाँ से पिक कर लेना गाइस। बात करते हैं रेडर सेक्शन में, तो रेडर सेक्शन में आपको एस तनवर अच्छे प्लेयर्स हैं, लास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, आप इनको इनके साथ कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी जा सकते हो, वैसे भी अच्छे प्लेयर्स हैं, लास्ट मैच का रिकॉर्ड्स नहीं, वैसे भी अच्छे प्लेयर्स हैं, आप इनके साथ जा सकते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, मोस्टली लोग के ये कैप्टन्स रहने वाले हैं। एस सिंह की बात करो लास्ट मैच ये इनका परफॉर्म कोई खास नहीं रहा, बहुत से लोग इनको ड्रॉप करके आएंगे बट आप इनको ड्रॉप मत करना, क्योंकि कल के मैच में प्रीवियस मैच में इनका परफॉर्म खराब रहा था बट ये प्लेयर खराब नहीं है, अगर ये लीड करते हुए नजर आएंगे, अगर ये परफॉर्म किए तो बहुत अच्छा पॉइंट आपको दे सकते हैं और आपके टीम को रॉक भी करा सकते हैं गाइस। बात करते हैं सिद्धार्थ देसाई जो लास्ट मैच बेंच से प्ले किए थे, हो सकता है कल के मैच में ये स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, इसलिए सिद्धार्थ देसाई को भी अपनी टीम से ड्रॉप मत करना, बहुत अच्छे ये दोनों रेडर हैं और दोनों टीम को हो सकता है लीड करते हुए कल के मैच में नजर आएंगे गाइस। बात करें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, तो आपके पास ऑप्शंस है, एस तनवर है बेस्ट ऑप्शन कैप्टन के लिए और ए सिंह मेरे टीम में रहने वाले, भले लोग सिलेक्शन नहीं करें हमारे टीम में ये सिलेक्शन रहने वाले हैं और वाइस कैप्टन्स भी हमारे सेट टीम में है, हो सकता है तो मैं फाइनल टीम में भी ए सिंह को वाइस कैप्टन जाऊँगा और इस सिद्धार्थ देसाई को अपनी टीम में जरूर पिक करूंगा गाइस। बात करता हूं सुनील, आप एन कुमार भी कल के लिए वीसी ऑप्शंस हो सकते हैं और सुनील कुमार भी ऑप्शंस हो सकते हैं वीसी कल के मैच में। आई होप पटना टीम कल के मैच में कुछ कमबैक करते हुए नजर आएगी गाइस। बात करते हैं जो हमारी ये हमारी सेट टीम है, फाइनल टीम जो गाइस आने वाली है वो हमारे ये टेलीग्राम चैनल पर आएगी, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करना, ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को, सर्च कर लीजिएगा @panther11abc और ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम में जा करके, और या तो आपको गाइस ये लिंक कमेंट सेक्शन में मिलेगा पिन किया हुआ, वहाँ से भी आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या गाइस आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और गाइस आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और गाइस
आप हमारे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल भी मत भूलना ज्वाइन करना, क्योंकि करंट के जो भी मैचेज है क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, सभी के टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री होती है, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करना, ज्वाइन कर लेना। आप जाके सर्च करके देख सकते हो विनिंग की रेशियो, फिर उसके बाद ज्वाइन कर लेना और दो तीन मैच प्ले करके भी चेक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ प्लीज़ कीप योर सपोर्ट विद पैंथर।